प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सरल आवर्त गति में पिंड की ऊर्जा। जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और संपूर्ण वीडियो उपलब्ध है। सरल आवर्त गति में पिंड की ऊर्जा। सरल आवर्त गति क्या होती है? वह गति जो माध्य स्थिति के इधर उधर होती है, एक निश्चित पथ पर होती है, वो क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है। इसका मतलब जो वस्तु क्या कर रही है? दोलन कर रही है। जब भी कोई पिंड सरल आवर्त गति में दोलन करता है तो अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित होता है। तो माध्य स्थिति से जब विस्थापित होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यानन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानन बल। यह प्रत्यानन बल उस पिंड को अब उसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थित पिंड की, पिंड में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन पिंड गति में भी है तो उस कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। जब पिंड दोलन करता है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, लेकिन इन दोनों का योग क्या रहता है? नियत रहता है। ध्यान से सुनिए फिर। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति में दोलन करता है तो अपने माध्य स्थिति से विस्थापित होता है। जब वो अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित होता है तो वो एक बल जिसे प्रत्यानन बल कहते हैं, उस कारण वो अपनी माध्य स्थिति के पर आने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इस प्रत्यानन बल के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन पिंड गति भी कर रहा है, इस कारण उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा भी है। ये ऊर्जाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, परंतु इनका योग क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो हम दोलन करते हैं पहले पिंड की कौन सी ऊर्जा निकालेंगे? स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। कौन सी ऊर्जा की गणना करें बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखो, हमारे पास एक पिंड है जो माध्य स्थिति ओ के सापेक्ष दोलन कर रहा है, ऊपर नीचे दोलन कर रहा है। किस अक्ष का? वाई वाई अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहा है। अब ये दोलन जब करता है तब ये अपनी स्थिति से विस्थापित हुआ। कितनी दूरी विस्थापित हुआ? वाय दूरी विस्थापित हुआ, ए बिंदु पे आ गया। जब ये ए बिंदु पे आया तो इस पे कौन सा बल कार्य करेगा? प्रत्यानन बल कार्य करेगा। ये प्रत्यानन बल कार्य कहां कैसे कार्य करेगा? अंदर की ओर। इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? एम है। तो अब जब मैंने पिंड को, पिंड जो दोलन कर रहा था अपनी साम्य स्थिति ओ के सापेक्ष वाय दूरी पे था ऊपर की ओर, तो इस पे प्रत्यानन बल किसकी ओर कार्य कर रहा है? माध्य स्थिति की ओर कार्य कर रहा है। तो प्रत्यानन बल कितना हो गया? प्रत्यानन बल हो गया F इज इक्वल टू माइनस के वाई। ठीक। तो पिंड की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? किस स्थिति में? पिंड की स्थिति ऊर्जा। अब इसको मैंने डी वाई दूरी ऊपर की ओर विस्थापित कर दिया। कितनी दूरी विस्थापित कर दिया? डी वाई दूरी क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। यह विस्थापन ऊपर की ओर है। यह विस्थापन क्या है? ऊपर की ओर। और प्रत्यानन बल कैसे कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। यह विस्थापन ऊपर की ओर है। यह बल जो कार्य कर रहा है यह कैसे कार्य कर रहा है? माध्य स्थिति की ओर, और विस्थापन हो रहा ऊपर की ओर। तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? कितनी दूरी विस्थापित किया? जीरो से वाई, एफ डॉट डी वाई। इनके बीच में कोण कितना होगा? प्रत्यानन बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है और विस्थापन ऊपर की ओर आ रहा है, तो इनके बीच में कोण हो जाएगा? जीरो से वाई एफ डी वाई कॉस 180 डिग्री। कितना हो गया? जीरो से वाई एफ की वैल्यू क्या होगी? माइनस के वाई डी वाई और कॉस 180 डिग्री की माइनस वन आ गई। तो ये हो गया, के बाहर आ गया, जीरो से वाई वाई डी वाई। यू यू कितना हो जाएगा? के
ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन टू, इसका समाकलन 0 से y, u इज इक्वल टू k बाय टू, वाई स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू हाफ k y स्क्वायर, पहली समीकरण आ गया। अब हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, k बाय m होती है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर m हो जाएगी, तो u का मान कितना हो गया आपके पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। समीकरण नंबर दो, अब हम किस चीज की गणना करने जा रहे हैं, अब हम गणना करने जा रहे हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हम जानते हैं जब कोई पिंड दोलन करता है, सरलावर्त गति करता है, तो उसका वेग क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी बेटे आपकी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब पिंड की संपूर्ण ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गति, ये समीकरण नंबर तीन होगी, पिंड की संपूर्ण ऊर्जा, पिंड की संपूर्ण ऊर्जा होगी U, क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये ऊर्जा होगी। हमारा ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एन, तो यू कितना हो जाएगा, हाफ एम 2 पाई एन का स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, तो ऊर्जा कितनी आ गई आपकी, कुल ऊर्जा, सॉरी कुल ऊर्जा ई है आपकी, मैंने ई, कुल ऊर्जा कितनी होगी, E, तो E कितनी होगी आपकी, 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। पाई और m तो कांस्टेंट होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा आवृत्ति का स्क्वायर है और किसका, आयाम का भी क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह हमने बहुत साधारण सरल तरीके से क्या गणना करी है, सरल आवर्ती गति करते हुए पिंड की संपूर्ण ऊर्जा। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं आपका, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है सरल लोलक, इसका प्रयोग भी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब थ्योरी समझ में आ जाती है तो बच्चा तभी एक्सपेरिमेंट करवाता है। तो सरल लोलक होता क्या है, आपने घड़ी में देखा होगा एक लोलक होता है जिसे पेंडुलम कहते हैं अंग्रेजी में, सिंपल पेंडुलम, कुछ घड़ियों में होता है, वो लगातार इधर उधर दोलन करता है और एक निश्चित समय अंतराल पर अपने गतिपथ को दोहराता है, मध्य स्थिति को दोहराता है, तो वो क्या होता है, लोलक, जिसे कहते हैं पेंडुलम कहते हैं। हमारी जो लैब में होता है वो हम उसे कहते हैं सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, क्योंकि हम अपने तरीके से बना रहे हैं, बहुत साधारण तरीके से बन रहा है, इसलिए इसका नाम सरल लोलक रखा गया। जब किसी भारी, जिसे कहते हैं हैवी, धातु के गोले को किसी भारहीन, लंबाई ना बढ़ने वाले धागे से लटकाया जाता है, तो यह संरचना क्या कहलाती है आपकी, यह संरचना कहलाती है सरल लोलक। क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है संरचना सरल लोलक। जब किसी ठोस गोले को, और परिभाषित कर, जब किसी पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को, मतलब गोले को, भारी कण को एक भारी, लंबाई ना बढ़ने वाले
पूर्ण लचकदार धागे से एक सिरे से बांधकर लटकाया जाता है, दृढ़ आधार से लटकाया जाता है, तो इस समायोजन को क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। फिर सुनिए, जब किसी अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को एक भारहीन लंबाई ना बढ़ने वाले लचकपूर्ण लचकदार धागे के एक सिरे से बांधकर दृढ़ आधार से लटकाया जाता है तो यह समायोजन क्या कहलाता है आपका? यह समायोजन कहलाता है सरल लोलक। देखिए इधर, ये दृढ़ आधार है आपका, ये भारीन धागा, भारीन पूर्ण लचकदार धागा, और ये अत्यंत सूक्ष्म भारी कण जिसे गोला कह सकते हैं। तो ये संरचना क्या कहलाती है आपकी? ये संरचना हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? सरल लोलक कहलाती है। ये जिस बिंदु से लटका हुआ है इस बिंदु को कहते हैं निलंबन बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों से? निलंबन बिंदु, सस्पेंशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये सस्पेंशन पॉइंट। और दूसरी चीज, धागे की लंबाई प्लस गोले की त्रिज्या, ये कहलाती है प्रभावी लंबाई। धागे की लंबाई प्लस गोले की त्रिज्या, ये क्या कहलाती है आपकी? प्रभावी लंबाई कहलाती है। जब हम इस सरल लोलक को उसकी माध्य स्थिति से कुछ कोण बनाकर, थीटा कोण बना दिया हमने, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये क्या क्या कहलाता है? ये क्या कहलाती है? तो ये अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है, ऐसे दोलन करने लगता है। स्पिन का द्रव्यमान कितना है? एम। इस पे जो तनाव कार्य कर रहा है, जब किसी चीज को धागे या तार से लटकाते हैं तो उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये तनाव क्या होता है? बल होता है। तो तनाव ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और पिंड का भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, एम जी। ये भी थीटा कोण होगा, इसको घटकों में वियोजित किया, ये कितना हो गया? एम जी कॉस थीटा। इधर वाला घटक कितना आ गया? एम जी साइन थीटा। ये इसकी प्रभावी लंबाई कितनी है? L, धागे की लंबाई प्लस गोले की त्रिज्या। ये दूरी कितनी दूरी विस्थापित किया था हमने? x दूरी विस्थापित किया। अब इस पे जो बल कार्य कर रहे हैं, एक कार्य कर रहा है धागे में तनाव और एक गोले का भार नीचे की ओर, गोले के भार को घटकों में वियोजित किया, यहां mg cos थीटा आ गया, ये mg sin थीटा आ गया। अब गोला दोलन कर रहा है मतलब वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो वृत्ता, ये कौन सा टॉपिक है हमारा? सरल लोलक। जब ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो गति करने के लिए क्या चाहिए उसे? उसे चाहिए अभिकेंद्र बल। क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल। गति कर रहा है तो उसमें क्या होगा? अभिकेंद्र बल चाहिए। यह अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? टी माइनस mg cos थीटा आपको क्या प्रोवाइड करेगा? आवश्यक अभिकेंद्र बल, क्योंकि त्रिज्या l मानी जाएगी इसकी, जो लंबाई है वही त्रिज्या होगी, तो इसने आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर दिया। अब जो प्रत्यानंद बल लगेगा, जो सारी कहानी प्रत्यानंद बल के इर्द गिर्द चलती है सरलावर्त गति में, तो ये प्रत्यानंद बल क्या काम करेगा? ये हो जाएगा माइनस mg sin थीटा। ये इसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है ना, ये भार को जा रहा है, ये लाने का प्रयास कर रहा है, तो एफ इजिकल टू कितना हो गया? माइनस एम जी साइन थीटा। तो थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जब थीटा छोटा है तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, एक्स बाय एल, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। तो एफ कितना हो जाएगा हमारा? माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस एम जी थीटा। और क्योंकि ये क्या कर रहा है तो इसकी मान रख दें हम एक्स बाय एल,
देखो बच्चों, ये न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से एक बल काम करेगा एफ इजिकल टू एम अल्फा, ये दोलन का त्वरण है, ये क्या है, दोलन का त्वरण है। तो एम अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एम जी एक्स बाय एल, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, माइनस जी एक्स बाय एल, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल एक्स, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां ओमेगा स्क्वायर किसके मान बराबर है, जी बाय एल, तो अल्फा किसके अनुक्रमानुपाती आ गया, माइनस एक्स के। ये क्या है, यही तो सरल आवर्त गति का प्रतिबिंब है, प्रतिबंध, सरल आवर्त गति का प्रतिबंध है, जब त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो परंतु विपरीत दिशा में कार्य करे, तो यह क्या गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। यह सरल आवर्त गति का प्रतिबंध है, क्या है, सरल आवर्त गति। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, तो टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये आपके आवर्तकाल का सूत्र हो गया। यहां पे एक चीज का ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो अगर कैसे उदाहरण देते हैं, एक बच्चा झूले पे बैठा है, दूसरा बच्चा उसके साथ झूले पे बैठ जाता है, तो लंबाई नहीं चेंज हो रही है, लंबाई नहीं बदल रही है, तो गुरुत्व केंद्र नहीं बदल रहा है, तो उसका आवर्तकाल उतना ही रहेगा। लेकिन अगर बच्चा झूलते हुए खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब इस सूत्र में देखते हैं, ये प्रभावी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अगर आप प्रभावी लंबाई बढ़ाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये व्यतिकर्मानुपाती है अनुरूढ़ जी के, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरी चीज, ये आयाम पर वैसे निर्भर नहीं करता, जब थीटा लेस देन 10 डिग्री होता है तो ये आयाम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इसका मान जब 10 डिग्री से बढ़ जाता है तो यह आयाम पर क्या करने लगता है, निर्भर करने लगता है। हमारे पास इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, उसे कहते हैं सेकेंड पेंडुलम, सेकंड क्या कहते हैं, लोलक। एक ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है, उसे क्या कहते हैं, सेकंड लोलक कहते हैं। 2 सेकंड का मतलब अगर यहां से शुरू हुआ, यूं गया और यूं वापस आ गया, 2 सेकंड। हमारे पास सूत्र क्या होता है, टी इज इक्वल टू पाई अंडरूट एल अपॉन जी, हम वर्क कर दें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, आपका L का मान कितना हो जाएगा, यहां पे जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 9.8, 2 का स्क्वायर 4, 3.14 का स्क्वायर, तो L का मान कितना आ जाता है, 1 मीटर। मतलब एक जो सेकंड लोलक के लिए आपको जो प्रभावी लंबाई चाहिए लोलक की, वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। बच्चों, ये जो आज टॉपिक हमने आपको समझाया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल है इसमें, जब आपको थ्योरी समझ में आएगी तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है ना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटे मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 1 से 9 तक का संपूर्ण पठन सामग्री, पठन पाठन सामग्री वीडियो के रूप में उपलब्ध है आपके, थ्योरी, टोटल थ्योरी, कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल है। और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी समझ में आना शुरू हो जाए। मैंने चैनल ये जो बनाया है पढ़ाने के लिए, आपको सरल और साधारण तरीके से भौतिकी समझाने के लिए बनाया है इस कोरोना काल में। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नई वीडियो की इंटीमेशन तुरंत मिल जाएगी, जिससे आपको आसानी से आप भौतिकी पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।